नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मिश्रा। दर्शकों, आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुप्रसिद्ध गायिका सोनाली डोगरा, जो कि शास्त्रीय संगीत भी गाती हैं। और हम आपको बता दें कि राग दरबार में इन्होंने हिस्सा लिया है, तो जानेंगे कैसा लग रहा है। और सबसे पहले तो हमारे तमाम सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये शास्त्रीय संगीत क्या है। सोनाली, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन न्यूज़ में। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे शास्त्रीय संगीत के बारे में। जी, शास्त्रीय संगीत मेरे हिसाब से, जो मुझे जितनी नॉलेज है, वो हमारे म्यूज़िक का एक पिलर है। और जब तक हमें म्यूज़िक का बेस नहीं मालूम, तब तक मेरे हिसाब से हम इस म्यूज़िक को परस्यू नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही पुरानी पीढ़ी चलती आ रही है, और राज दरबारों में गाया जाता था इसे, राजाओं के समय में, और ऋषि मुनियों के समय से भी ये चलता आ रहा है। तो हमारे जो अभी की जनरेशन है, वो क्लासिकल म्यूज़िक को थोड़ा सा लाइटली ले लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बेस है हमारे म्यूज़िक का। और जिसे भी संगीत में आगे बढ़ना है, उसे शास्त्रीय संगीत के बारे में पता होना चाहिए, सारेगामा पाधनीसा इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं भी अभी इसकी यहाँ पर शिक्षा ले रही हूँ, और परेड कॉलेज से ही मैं एमए कर रही हूँ म्यूज़िक में। सो शास्त्रीय संगीत जो है वो मेरे म्यूज़िक के साथ भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, सोनाली अभी तो फॉरेन में भी शास्त्रीय संगीत को बहुत ही महत्व दे रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, शास्त्रीय संगीत से काफ़ी दूर होते जा रही है, जो कि आजकल क्या है कि ट्रेंड बन चुका है, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। क्या बताना चाहोगे ऐसे लोगों को आप? जी, वेस्टर्न कल्चर अपनाना एक अलग चीज़ है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक जॉनर में गाएं, आप हर एक जॉनर में गा सकते हैं, लेकिन जो मेलोडी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसे शास्त्रीय संगीत की बात करूंगी, तो उसमें हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइट म्यूज़िक में हम मिश्रण कर लेते हैं रागों का, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत में हम किसी एक राग को पकड़ कर चलें, या यमन है, या भाग्यश्री है, या कोई भी राग की बात करें, तो हम अगर ज़रा सा भी सुर कोई चेंज करते हैं, तो दैट मीन्स हम किसी और राग में पहुंच जाते हैं। तो जो अभी की जनरेशन है, उन्हें एक ही मैसेज है मेरी ओर से कि आप जो भी करें, लेकिन उसे परफेक्शन से करें, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो। जी सोनाली, ज़रूर हमारे जो दर्शक हैं, कोई सा जो आपका फेवरेट राग है, ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, मैं भाग्यश्री के थोड़े से अंग आपको लगा के बताना चाहती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में यही सीख रही हूँ, तो इसी के बारे में। सा गा मा धा नी सा नी धा पा मा पा धा गा रे सा, ये भाग्यश्री का अंग है। तो मुझे ये चीज़ की है कि मैंने शुरू से कभी क्लासिकल की ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ा जब मैं इस चीज़ में एंटर हुई, तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि क्लासिकल जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको म्यूज़िक में आगे कुछ करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई हॉबी है, तो उसके साथ पढ़ाई ज़रूरी है, तो वैसे अगर मैं इसे एज हॉबी या एज प्रोफेशन भी चूज़ करती हूँ, तो इसके लिए क्लासिकल बहुत ज़रूरी है। सोनाली, जम्मू के बाहर भी आपने बेहद नाम कमाया है, क्या हम बात करें, बहुत सारे सॉन्ग्स भी आपके आए हुए हैं, और तकरीबन पंजाब में आपका बहुत सारा नाम है। जी, जी। तो किसे श्रेय देना चाहोगे, इसके पीछे किसका हाथ है, और कौन आपका इंस्पायर बना जो कि आप आज आप इतना नाम कमा रहे हैं? जी, पहली बात तो नाम की बात है, तो अभी नाम बनाना बहुत बाकी है, क्योंकि अभी शुरुआत है। और लाइफ में हर स्टेज को नया समझ के करें, तो मेरे हिसाब से बेस्ट हम कर पाते हैं। लेकिन जितना भी आज तक मैंने अचीव किया है, वो माता रानी के आशीर्वाद से, मेरी मम्मी के आशीर्वाद से, मेरी फैमिली के, और मेरे गुरु लोगों के आशीर्वाद से, जितने भी मेरी लाइफ में मेरे टीचर्स रहे हैं, उन सब के आशीर्वाद से मैंने आज तक अचीव किया है। और साथ ही साथ अगर मैं किसी रियलिटी शो में जाती हूँ, तो जितनी भी ऑडियंस है, उनके सपोर्ट के बगैर आई एम नथिंग। एक आखिरी सवाल, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करना चाहोगे हमारे दर्शकों को, जो तमाम सारे आपके फैंस और फॉलोअर्स हैं जो आपको सुनना पसंद करते हैं? बहुत से गाने अभी रिलीज़ हुए भी हैं मेरे यूट्यूब पे पीटीसी स्टूडियोज़ के, और एक और गाना रिलीज़ हो चुका है, लेकिन सिर्फ ज़्यादा सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि जम्मू में इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो वो भी यूट्यूब पे आ चुका है, इश्क नचाया। और एक और गाना आने वाला है, मैंने एक मिट्टी सॉन्ग को किया है, वो भी जल्दी हम रिलीज़ कर देंगे, बस इंटरनेट ऑन होने का वेट कर रहे हैं। और जल्द से जल्द बहुत सारे गाने जो हैं वो ऑन द वे हैं, तो हम जल्दी ट्राई करेंगे कि कर पाएँ। शुक्रिया सोनाली हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी सोनाली डोगरा, सुप्रसिद्ध गायिका, जिन्होंने अपने करियर के बारे में बताया और शास्त्र संगीत के बारे में बताया, और यह भी कहा कि बहुत जल्दी इनके जो सॉन्ग्स हैं YouTube में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहो जम्मू परिवर्तन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।